स्वागत है आप सभी का सुजस ई बुलेटिन की सीरीज में। 11 मई 2024 राजस्थान में प्लाज्मा चोरी प्रकरण में कार्रवाई है जारी। ब्लड बैंक इंचार्ज एपीओ जयपुर, राज्य सरकार ने जयपुर के जेके लोन अस्पताल में प्लाज्मा चोरी प्रकरण में ब्लड बैंक के इंचार्ज डॉक्टर सत्येंद्र चौधरी को तत्काल प्रभाव से एपीओ पद स्थापन की प्रतीक्षा में कर दिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती सुब्रा सिंह ने बताया कि जेके लोन अस्पताल में लैब टेक्नीशियन द्वारा प्लाज्मा चोरी का मामला सामने आया था। इसी के साथ जल स्वावलंबन अभियान 2.0 प्रथम चरण योजना की हुई बैठक। उदयपुर जिला कलेक्टर श्री अरविंद पोसवाल के निर्देशन में उपखंड अधिकारी मावली कार्यालय में एडीएम श्री मनसुख राम डामोर की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 प्रथम चरण योजना की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 प्रथम चरण एवं अन्य विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 प्रथम चरण योजना अंतर्गत विभागीय योजनाओं महात्मा गांधी नरेगा और राज्य मद में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 प्रथम चरण अंतर्गत अनुमादित कार्यों का बकाया प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शीघ्र जारी किए जाने की जानकारी दी गई। इसी के साथ में 25,000 से अधिक नागरिकों को ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी से जोड़ा गया है। आरएसजीएल ने कोटा में 5,064 परिवारों में दिए डीपीएनजी कनेक्शन। राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस ने कोटा में 25,000 से अधिक नागरिकों तक ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी सुविधा से जोड़ दिया है। कुकास निमराना एवं सीएनजी और कोटा में सीएनजी पर व पीएनजी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। आरएसजीएल के प्रबंध निदेशक श्री रणवीर सिंह ने बताया कि आरएसजीएल द्वारा कोटा में 5,064 परिवारों को डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस डीपीएनजी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही जैसलमेर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं का लिया जायजा। इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। धन्यवाद।